हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जाके ऐसा लग रहा है कि जो नवरात्रि की थकान और नींद थी वो पूरी हुई है कुछ, ठीक है, क्योंकि हम ब्लॉगिंग में ज़्यादा लगे हुए थे तो हमारी नहीं हुई है, लोगों की शायद हो गई हो। दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने गिव अवे वाले ब्लॉग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पे लिंक होगा, ये रहा उसका थंबनेल, जाके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके रूल्स को फॉलो कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स दोनों बढ़े। बाकी ये कि भैया 1,00,000 व्यूज की खुशी में हमने छोले भटूरे पार्टी रखी है, तो अभी हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। संडे है, इंजॉय करेंगे और हम जा रहे हैं सीताराम के छोले भटूरे खाने, वो जो पहाड़गंज के फेमस है ना, वो यहाँ पे भी खुल चुके हैं पश्चिम विहार में, तो हम यहाँ जा रहे हैं खाने। ठीक है, मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं दोस्तों से। चलो भैया, आज मेरी तरफ से छोले भटूरे पार्टी। तू तो उठ के आ गया है, नहाया कि नहीं नहाया? नहा के आया ना भाई, नहा के आया तू? नहा के आया? बूम कर। सो वी आर हेयर एट सीताराम दीवान चंद पहाड़गंज के मशहूर छोले भटूरे सिंस 1955। विराट कोहली का भाई SR कोहली। आर यू कॉमेडी मी? सो गाइज, वी आर हेयर एट सीताराम दीवान चंद फेमस छोले भटूरे ऑफ पहाड़गंज। मैंने आज से 5-6 साल पहले खाया था जब हमने स्कूल पास आउट किया था, और उसके बाद हम आज खा रहे हैं सीधा पश्चिम विहार में। पहाड़गंज में नहीं है भैया, हम पश्चिम विहार में है, नियर ज्वेलरी मार्केट पेट्रोल पंप के पास। लोकेशन मैं एक्यूरेट डाल दूंगा इधर डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो अगर आपको आना हो। वेस्ट दिल्ली वालों के लिए एक मतलब लॉटरी लग गई है कि फेमस छोले भटूरे वाले पश्चिम विहार में आ चुके हैं। वैसे काफी टाइम से है लेकिन हम आज आए यहाँ पे। ठीक है, खाते हैं फिर आपको जेन्युइन रिव्यू देंगे, एकदम फूड ब्लॉगर की तरह, भूखा सांड की तरह बताएंगे क्या कितना कमी थी। लस्सी भी ली हमने, फेमस लस्सी भी ली इनकी, और बताएंगे आपको कितना अच्छा है कितना बुरा है और वर्थ इट है, क्वांटिटी कैसी है क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस खुलती है ना, जब फ्रेंचाइजी होने लगती है तो क्वालिटी में कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो वो खाने के बाद पता चलेगा कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है। छोले भटूरे खाए जा रहे हैं सीताराम दीवान चंद के, और भटूरे की जो फीलिंग है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन सॉफ्ट है, लेकिन वो जो एक हैवीनेस होती है ना, मतलब भटूरा खा के ऐसा लगता है कि पेट भर गया, वो अभी लग नहीं रहा है, वो सिर्फ पहाड़गंज वाले में ही लगता है। बाकी प्याज सलाद काफ़ी अच्छा है। लस्सी ली हमने, लस्सी काफ़ी लाइट वेट है, और ये है भैया द स्पेशल लस्सी, 40 रुपये की है ये, लेकिन नॉट वर्थ इट क्योंकि काफ़ी लाइट है, काफ़ी पतली है, पानी की तरह अंदर जा रही है। जेन्युइन रिव्यू है भैया, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है। ये छोले बहुत अच्छे हैं, भटूरे थोड़े सॉफ्ट है जो कि कई लोगों को करारे खाना पसंद होता है, इस वजह से भटूरे मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन छोले बहुत अच्छे हैं। अगर आप गरम गरम आके यहाँ खा सकते हो तो बेटर है, बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि घर पे मंगवाओ। ठीक है, मतलब जेन्युइन रिव्यू है भैया, सॉरी सीताराम दीवान चंद वाले जो भी ओनर है भैया, बुराई नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू है। तो भैया सीताराम दीवान चंद पे पेट नहीं भरा था तो ये सारे आ गए नागपाल पे। ठीक है, ये है B1 मार्केट के पास नागपाल छोले भटूरे, नियर जग्गी टेंट हाउस, MK प्रॉपर्टीज़। तो सीताराम दीवान चंद पे पेट नहीं भरा इनका, तो ये आया नागपाल पे भैया। अब एक कंटेंट मिल गया हमें कि हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली के दो फेमस छोले भटूरे वालों का। ठीक है, जेन्युइन करेंगे, ना हमने इनसे पैसे लिए ना हमने उनसे पैसे लिए थे। ठीक है, एक बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिल जाएगा और टाइटल भी मिल जाएगा हमको। भैया मैंने आपसे पैसे लिए कुछ नहीं ना, अब हम कंपैरिजन करेंगे आपका और सीताराम जी का। ठीक है, जो होगा सच बोलेंगे, बुरा मत मानना। ठीक है ना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो हमारा। बड़ा हरामी हो बेटा। आशीष ऑफिशियल डबल ए, कोई नहीं सिंगल ए भी लिख दो, मैं ही आऊँगा सबसे ऊपर। तो ये भैया है नागपाल छोले भटूरे, देख के आपको लग रहा होगा कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी देख के नहीं हम बताएंगे, खा के बताएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा, ये भाई बताएंगे सारे। खा जाओ। ये भाई पहली बार आया ब्लॉग में, भैया कैसा लग रहा है? जेन्युइन रिव्यू, ठीक है, नो पैसे, सच बात, नो बकवास। छोले में थोड़ा डिफरेंस है, उसके छोले थोड़े अच्छे थे, उसके भटूरे भटूरे इसके अच्छे हैं, छोले उनके अच्छे थे। तुम्हारे हिसाब से भाई? सेम। ठीक है, छोले तो उनके अच्छे थे वैसे। दूसरी बात भैया, यहाँ पे सीटिंग है तो फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हो, और सबसे बढ़िया ये नेचुरल AC लगाया गया। हाय हाय हाय, सबका रिव्यू तो ले लिया भैया, लेकिन असली फूड ब्लॉगर का रिव्यू लेना ज़रूरी है ना। भटूरे तो नो डाउट उनसे बेटर है, छोले भी बेटर ही है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहे।
इनको है ना, जब तक घर से पैसे जाते नहीं ना जेब से, तब तक कुछ समझ नहीं आता। अगर किसी को लगता हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, वहाँ भी खा के यहाँ भी खा के, ऐसा नहीं है भैया, एक प्लेट में चार लोग खा रहे देख लो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं तुम नज़र वजर लगा दो बड़े पैसा आ गए। ये भैया गुजराती है, केम छो? बस भाई मजा में। क्या थी? मुंबई। दुबई? मुंबई। मैं तो कहा दुबई से बिजनेस करना है। हियर कम्स द फाइनल रिव्यू ऑफ नागपाल जी के छोले भटूरे वर्सेज सीताराम जी के छोले भटूरे। तो सीताराम जी के जो छोले भटूरे थे उसमें भटूरे काफ़ी सॉफ्ट थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि गर्म नहीं थे तो इसलिए मज़ा नहीं आया। छोले काफ़ी अच्छे थे और लस्सी काफ़ी पतली थी, तो हम उनको देते हैं 7/10 और नागपाल जी के छोले भटूरे को मिलते हैं 9/10, क्योंकि छोले दोस्तों को पसंद नहीं आए, मुझे तो अच्छे लगे और भटूरे तो भैया नो डाउट बहुत अच्छे थे और लस्सी तो चुम्मेश्वरी, ठीक है। तो विनर इज नागपाल जी के छोले भटूरे। अब हम भैया से एक बार बात कर लेते हैं कि पैसे लोगे नहीं लोगे, ब्लॉग में आओगे कल को क्या पता हम भी भूखा सांड बन जाए, कहीं भैया हमारे आगे पीछे घूमते फिरे। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हाँ भैया, किसका? नागपाल जी या सीताराम? नागपाल अच्छा लगा, टेस्ट इसका सही था और सीताराम तो खैर सीताराम है, जिसको उसका टेस्ट पसंद है वो उसी का खाएगा सर। ऑब्वियसली चार्जेस उनके कम है, इनके थोड़े ज़्यादा है, थोड़े चार्जेस ज़्यादा है। इनकी लस्सी अच्छी थी, इनकी लस्सी भैया वन टाइम एक बार ज़रूर पीएगा, ठीक है। आपको भैया वो था रोसम। नागपाल या सीताराम? नागपाल, लस्सी उनकी बहुत बेस्ट। और छोले भटूरे? छोले भटूरे सीताराम के बेस्ट है। ये पलट रहे सारे, अभी सब कह रहे थे नागपाल के अच्छे, अब कह रहे हो कि सीताराम के अच्छे। मेरा रिव्यू मायने रखता है, इनका ये सब ऐसी है, नकली है सारे। अभी हम मौजूद है भैया झील पार्क, डेटा ट्रांसफर करना है और मौसम के जो मजे है ना पैसा वसूल है। अब बादल देख रहे हो, ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड में हूँ मैं, बहुत ही खतरनाक मौसम है। और अगर इस मौसम में हमने टाइम लैप्स नहीं बनाया तो क्या फ़ायदा इतना अच्छा फ़ोन होने का। तो आप टाइम लैप्स देखो, भैया अभी हम भटूरे खा के आए थे और बारिश हो रही है अभी, और अब हम जा रहे हैं गुजराती मंदिर जहाँ डांडिया होता था, वहाँ पे किसी का फंक्शन है, खाना वाना खा के आते हैं, बे जनानू जमानू से। ओके, ये भाई भी आ रहे हैं, तुम्हारा दो का है फुल फैमिली, ये आगमटे से आप बताई ना, लेकिन जा तुम दो ही रहे हो, पापा गुजरात में, पापा गुजरात है, बाकी सब वहीं पहुँच चुके हैं, टाइम से पहुँचते भैया हम खाना खाने सब। आज तो भैया सोने पे सुहागा हो गया, अभी भटूरे खा के आए, अब पनीर मिल गया। अभी आपने खाना खा लिया? क्या खाया? पनीर या छोले? दो ये कल रात से खाना ही नहीं खाया होगा। हाँ भैया खाना खा लिया? तुम सबका चालान कटेगा, अगर पुलिस है, हेलमेट नहीं पहना और चार बंदे निशान, तेरी अभी से प्रैक्टिस होगी, तेरे बच्चे होंगे ना तीन चार। भैया दोपहर को खाना खाने के बाद सीधा शाम में मुलाकात हो रही है, जब ब्लॉग ख़त्म किया था दोपहर को तब भी बारिश हो रही थी और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ ढोल बज रहा है, हमारा नाचने का मन कर रहा है। तो भैया अभी हम आए हैं डोसा कॉर्नर, मुझे सिर्फ सांभर खाना है, मेरे गले की ऐसी ऐसी हो गई है लस्सी पी पी के, देखते अब ये सब तो डोसा और बड़ा बड़ा खा रहे हैं, इडली सांभर और ये सब, आज हाइजीनिक खाना खाया जा रहा है और चाउमिन वाउमिन नहीं खाई जा रही। तो भैया इन सब ने डोसा खा लिया, मैंने भी थोड़ा सा खा ही लिया है, कभी कभी तो आते हैं यार। ये बाइक ही नहीं चलेगी तेरे से, ऑन ही नहीं होगी, देख लियो। बोला था ना मैंने नहीं होगी। खांसी हो गई इसको, ये हिमालय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता इसको। ये देखिए एक ही बारी में चालू कर देगा, देखियो देखा। अभी घर लौटे भैया डोसा खा के, और देख लो बारिश शुरू हो गई है, ये बिन मौसम बरसात है दिल्ली में, दिल्ली में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो भैया बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अभी डिनर करके आया, हमने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, थोड़ी सी सब्जी खाई और प्याज कचौड़ी आई थी जोधपुर से, पता नहीं कौन लेके आया, जो भी लेके आया बहुत अच्छी थी, और थोड़ा सा हमने दूध पिया, नाउ फीलिंग गुड, पेट बाहर आ गया, लेकिन हम एंगल इतना ही दिखेंगे ताकि पेट ना दिखे। दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने गिव अवे वाले ब्लॉग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कर लो जाके भैया, आज की रात है, आज का पूरा दिन आपके पास,
कल वाले ब्लॉग में आपको मैं रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए दिखूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अब कुछ दिन थोड़े डिफेंसिव ब्लॉग्स आएंगे क्योंकि नवरात्रि ख़त्म हुई है, थोड़ी सी सांस लेने दो यार। रात रात भर एडिट करना, कट एंड क्रॉप करना, डिलीट करना, डेटा ट्रांसफ़र, बड़ा सरदर्द हुआ है उसमें। अब कल से रेगुलरली 12 बजे ब्लॉग आपको दिखने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। अब जो 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 जो